वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोटक 811, जो कोटक महिंद्रा का एक वर्चुअल बैंक अकाउंट होता है और जिसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है। तो उसमें आपको बताऊंगा कैसे अकाउंट को आप खोल सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग वो अकाउंट इतना मतलब बेनिफिशियल नहीं है। मैं आपको तीन चार चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको वो खुलवाना है तो आप वो अकाउंट को खुलवा भी सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रहे हैं वो 6% दे रहे हैं, ठीक है। और 6% भी तब है जब अगर आप मतलब मैक्सिमम अमाउंट जमा करवाओगे। जैसे मान लो अगर आपने 1 लाख 2 लाख जमा करवाया, तब वो 6% का अप टू 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको देंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 जमा कराया या 2,000 जमा कराया तो 6% है, ठीक है। वो जितना बड़ी अमाउंट जमा करवाओगे तब जाके वो आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आपको एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको एक तो फ्रेंड्स वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, जो आपके कोटक महिंद्रा ऐप के अंदर आपको उसका डेबिट कार्ड का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर CVV सारा कुछ मतलब आपको उसके अंदर मिल जाएगा। और एक आपका ये इंस्टेंटली अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बस KYC इसमें फ्रेंड्स करवानी है। बाकी फ्रेंड्स, मैंने इसकी बहुत सारे चार्जेस, फीस, कितने डेबिट कार्ड के चार्ज है, उसकी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो का लिंक देख के वो वीडियो को भी देख लेना कि इसके क्या क्या चार्जेस हैं। और अभी मैं आपको बाकी शॉप, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, जहाँ पे भी हम यूज़ करना चाहते हो इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। स्कैन एंड पे फैसिलिटी है कि कहीं पे QR कोड स्कैन करके पे करो, तो कुछ मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है ये बैंक अकाउंट। फिर भी मैं आपको चलो बता देता हूँ कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। इसके फीचर पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो को देख लेना। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको स्क्रीन तरफ ले जाता हूँ और आपको वहाँ पे लाइव दिखाऊंगा कि आपको कैसे इस बैंक अकाउंट को एक्टिवेट करना है, कैसे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। चलिए फ्रेंड, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स आपको ये देखिए, ये लिंक खोलना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाके बस यहाँ पे फुल नेम भरना है, ठीक है, मोबाइल नंबर भरना है और आपको करना है कंटिन्यू, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे आपसे देखिए ये OTP मांगेगा, तो आपको यहाँ OTP भर के आपको कंटिन्यू करना है। इसकी फ्रेंड्स मैंने, ठीक है, अब यहाँ पे आपको आधार नंबर भरना है, मतलब बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। मैं आपको आधार नंबर भी भर के दिखाता हूँ अभी। फ्रेंड्स, आधार नंबर पहले से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके जितने चार्जेस होते हैं, ATM के जितने चार्जेस हैं और क्या क्या ये आपको ATM लेने के टाइम पे चार्जेस लगते हैं, क्या आपको NEFT चार्जेस लगते हैं, उसकी वीडियो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने बना दी है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना मेरी वीडियो, ठीक है। और सिंपल है, ये देखिए ऊपर यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है आधार वेरिफिकेशन, ठीक है। आपको आधार वेरीफाई करवाना है, फिर पर्सनल डिटेल भरनी है और फिर पिन सेटअप। बस पिन सेटअप में आपको एक पिन भरना होगा जो आपको सिक्योरिटी पिन होगा और दैट्स इट। इससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल है, पर मैं फिर कह रहा हूँ इसके चार्जेस देख लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगेन मैं वीडियो डाल दूंगा, इसके चार्जेस एक बार कंफर्म कर लेना। वो सारे चार्जेस देखने के बाद ही अपना यहाँ पे अकाउंट खुलवाना, बाद में मत कहना कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ गए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है फ्रेंड्स कमेंट करिए, आपकी हेल्प के लिए मैं सदा अवेलेबल हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।